वेलकम टू देवजानी क्रिएशंस ट्यूटोरियल। आज मैं सिखाऊंगी डॉग, जिसको हम बोलते हैं पार्क डॉग। चलिए सीखते हैं क्या क्या लगेगा और कैसे बनाते हैं। पार्क डॉग बनाने के लिए मुझे चाहिए पैटर्न। ये पार्क डॉग का पैटर्न है। कपड़ा मैंने वोल्वो कपड़े लिए हैं, चाइनीज फैब्रिक में बना सकते हैं ये कलर का, या ब्राउन जो आपके पास है उसमें बना सकते हैं। अच्छा, और लगेगा स्टफिंग के लिए कॉटन, दो आईज, नोज, गले में लगाने के लिए बेल्ट, इलास्टिक चाहिए, और निडल और थ्रेड, पिन, और ड्राइंग करने के लिए मार्कर। पैटर्न में पहले लिख लेते हैं, ये है पार्क डॉग। ये बॉडी का पार्ट है, इसका स्ट्रेच इधर है। टू पार्ट बॉडी साइड ब्राउन वोल्वो। जो कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ इसको वोल्वो बोलते हैं, इसलिए मैं वोल्वो लिख रही हूँ। ये है यहाँ पे स्ट्रेच, वन पार्ट बॉडी फ्रंट, ये भी है ब्राउन वोल्वो। एक कलर का कपड़े में ही पूरा ड्रॉप बनेगा। ये यहाँ पे ये है वन पार्ट हेड मिडल, ये हेड का जो पार्ट है मिडल पार्ट है, ये भी ब्राउन वोल्वो। ये है टू पार्ट लेग, ये सामने वाला पैर फ्रंट, इसका भी ब्राउन वोल्वो। ये भी लगेगा, ये बॉडी का लोअर पार्ट के साथ लगेगा, ये अपर पार्ट में लगेगा, ये बॉडी का नीचे वाला हिस्से में लगेगा। ये भी है टू पार्ट लेग फ्रंट लोअर, ये भी होगा ब्राउन वोल्वो। ये बैक पार्ट है, टू पार्ट लेग बैक, ये भी होगा ब्राउन वोल्वो। ये हेड पार्ट है, टू पार्ट हेड साइड, ये भी ब्राउन वोल्वो। वन पार्ट माउथ पार्ट है, माउथ का पार्ट ये स्नाउट बोलते हैं ब्राउन वोल्वो में। ये भी स्नाउट पार्ट है, ब्राउन वोल्वो। ये टू पार्ट टेल ब्राउन वोल्वो। फोर पार्ट ब्राउन वोल्वो। फुट पैड है, ये भी पैर का पार्ट है, ये भी फोर पार्ट लेग बैक ब्राउन वोल्वो। ये
ये फोर्थ पार्ट। ईयर्स ब्राउन वॉल्वो। ये फोर्थ पार्ट ब्राउन वॉल्वो। वन पार्ट ब्राउन वॉल्वो। इतना सेट। इस जगह देख के ड्राइंग करना है, जैसे पहले मैं बी पार्ट ड्राइंग करूंगी उसके बाद ए पार्ट ड्राइंग करूंगी। ए पार्ट करने से थोड़ा जगह चला जा रहा है, ऐसे करने से थोड़ा कपड़ा बच रहा है कपड़ा। हाँ, पहले बी का ड्राइंग कर लेते हैं फिर ए ड्राइंग कर लूँगी। जिसका टू पार्ट है ए बी टू पार्ट ड्राइंग होगा, जिसका वन पार्ट है वो ए पार्ट मतलब एक पार्ट ड्राइंग होगा, जिसका फोर पार्ट है वो दो बार ए दो बार बी, ऐसे करके ड्राइंग करके सारे ड्राइंग मैं ड्राइंग कर लेती हूँ। मैं ड्राइंग कर चुकी हूँ, अभी इसको काट लूँगी। ये जैसे कपड़े काटते हैं वैसे ही काटेंगे इसको। ऐसे करके जितना ड्राइंग किए हैं पूरा काट लेंगे। सारे कपड़े काट लिए हैं, अभी ये कैसे जॉइंट करेंगे वो दिखा देती हूँ। ये है ईयर्स फोर पार्ट ईयर्स, इसका यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगा, ये ओपन ये सिलाई नहीं होगा। फोर पार्ट है, दो दो करके इसको यहाँ से यहाँ तक ये खुला छोड़ना है। फोर पार्ट दो ईयर्स हो जाएगा, ए और ए। ऐसे दो ईयर्स ये खुला छोड़ना है, ये पार्ट हो गया। ये है बैक लेग, इसका फोर पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये दो मिला के दो। ये है टेल, टेल का यहाँ से यहाँ तक, टेल का टू पार्ट है, टू पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है इसको, यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके इसको सीधा करके थोड़ा सा इसमें कॉटन भी डालेंगे। ये हो गया टेल। ये बॉडी का लोअर पार्ट है, ये वन पार्ट है, ये
इसका ये जो पार्ट है ये बॉडी का लोअर फ्रंट लोअर लिखे थे, मतलब इसको यहाँ से एक ऐसे जॉइंट होगा, दूसरा यहाँ से, मतलब वन टू वन टू वन टू ये वन पार्ट बॉडी का और इसका टू पार्ट, वन पार्ट टू पार्ट, मैंने ए पार्ट बी पार्ट। तो ए पार्ट बी पार्ट, तो ए वन टू इसमें ऐसे जॉइंट होगा, मतलब इसको इसका वन टू ये जॉइंट इस साइड और दूसरा साइड इधर, वन टू ऐसे करके वन टू दो पार्ट जॉइंट होगा। ये इसको सीधा किए और इसका सीधा, दो सीधा अंदर रहेगा ऐसे करके, एक साइड में वन टू इधर एक पैर, दूसरा पैर दूसरा साइड में। इसका भी ऐसे वन टू करके ये पैर में ये पार्ट जॉइंट होगा। अच्छा, और बॉडी का जो ये पार्ट है इसका यहाँ पे थ्री फोर, ये जो पैर है इसका टू पार्ट है, थ्री फोर, ये तो बॉडी का दो पार्ट एक साथ यहाँ तक सिलाई होगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा। यहाँ पे स्टिच होगा, इतना सा छोड़ दिए सिलाई हो गया। इसका यहाँ से यहाँ तक ये पैर का दो पार्ट, थ्री फोर, यहाँ से इसका जॉइंट करते हैं। बॉडी का लोअर पार्ट, बॉडी का अपर पार्ट,
दोनों का ऐसे करके ज्वाइन करना है, ऐसे करके ऐसे, मतलब यहाँ से, यहाँ से जैसे इसमें एक पैर लगाएं और इसका एक पैर लगाएं, ऐसे करके मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ये बॉडी का पार्ट है अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ से ऐसे मिला मिला के ये जॉइंट से जॉइंट तक आएगा, फिर ये इतना सा आएगा, यहाँ तक, इस तरफ भी ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, गले के लिए छोड़ना है। फिर यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है फुट पैड लगाने के लिए, ये लगाएंगे ऐसे छोड़ना है इतना सा, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर, थोड़ा सा एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा। यहाँ तक छोड़ दिए फुट पैड के लिए, यहाँ पे लगाएंगे फुट पैड, जॉइंट से जॉइंट लगाएंगे, ये थोड़ा बड़ा है छोटा है इसको एडजस्ट करेंगे। ये पीछे का, इसके लिए इसका जो पैर है इसको ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, ये से ये यहाँ तक, और इसका यहाँ तक,
यहाँ तक आएगा एकदम। ये जो जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट किए थे, मिडिल में आएगा ये पूरा। इसको मैं एक बार ट्राई करती हूँ, इसमें इसको ऐसे दिख पहले किए हैं, उसके बाद इसको यहाँ से लगाए ऐसे करके, फिर इसको इसके साथ जॉइंट किए हैं ऐसे करके। ये जो पार्ट है ये यहाँ तक आएगा, इसका मतलब इसका होगा फाइव। और ये जो पार्ट है ये सिक्स सेवन फाइव यहाँ पर आएगा, फाइव एट। ये यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा था, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद ये सिक्स, ये सेवन, ये ऐसे करके फाइव में जॉइंट होके फिर ये एट तक आएगा। ऐसे मैंने किए, इसको ऐसे ऐसे करके इसको जॉइंट किए, एट फाइव सेवन और ऐसे करके सिक्स, सिक्स सेवन फाइव मिडिल में और यहाँ पे एट। ये जॉइंट जब आप करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा और प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे करके मैं यहाँ पे जॉइंट किए, और वो जो दो पैर उसको यहाँ पे लगाएंगे। ये जो पैर आया इसमें ये इसको लगाएंगे ऐसे करके, सिक्स मिडिल में आएगा, मतलब इसका यहाँ पे सिक्स, और ये तो जॉइंट हो। ये ऐसे ऐसे करके लगेगा, ये पे ये सिक्स मिडिल। ये जो पॉइंट है नाइन यहाँ तक आएगा, नाइन पॉइंट।
ये एक्साइट का डॉग का पैर, यहाँ पे एक फुट पैड लगाएंगे। ये नीचे तरफ रहेगा, राउंड ऊपर तरफ ऐसे करके लगाएंगे। यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, दो सेम ऑपोजिट पैर में भी, दो पैर में भी लगाएंगे। और ये है टेल, टेल को सीधा करके इसको यहाँ पे लगाएंगे। टेल यहाँ पे लगेगा। अच्छा, टेल में जब लगाएंगे तो अभी मैं दिखा देती हूँ इसको। पार्क डॉग हम देखे हैं, थोड़ा उसका बॉडी में, पैर में, टेल में थोड़ा सल आता है, मतलब चुप सा जाता है, जैसे फोल्ड पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ये इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो ये इतना सा है, तो इसको क्या करेंगे, इसका आधा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको खींच के लगाएंगे, पूरा खींच के लगाएंगे, तो ये ऐसे सल जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे लगाएंगे, मैं दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे लगाएंगे मैं ब्लैक कलर का मार्कर से मार्क करके देती हूँ, इसमें लगाएंगे तो ये थोड़ा ऐसा फोल्ड आ जाएगा। इसमें लगाएंगे यहाँ पे, जब तो यहाँ पे इसके साथ जब जॉइंट किए हैं तो ये थोड़ा बड़ा था, इसको एडजस्ट करके इसमें सिलाई किए, तो इसको जब जॉइंट किए उसके ऊपर लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा ऐसे, जहाँ जहाँ पे इलास्टिक लगाना है वहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे भी जितना है उससे आधा से थोड़ा सा कम करके लगाएंगे तो ये ज़्यादा फोल्ड आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे टेल में लगाएंगे और हेड पार्ट के मिडल में भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। अच्छा, ऐसे करके इसका बॉडी लगा के टेल लगा देंगे, बॉडी का ये पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे भी लगाएंगे,